नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे यूपी की फटाफट खबरों की। फिरोजाबाद में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 8 तमंचे, एक राइफल, भारी मात्रा में कारतूस, स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक पोल्ट्री फार्म पर 2 दर्जन से अधिक मुर्गियों की मरने की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों को डर है कि कहीं मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण तो नहीं हुई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम जांच में जुटी। अलीगढ़ में गौतम चौराहे पर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक तस्कर को गोली लग गई है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है। दरअसल पुलिस को लगातार तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चंदौली में पुलिया के नीचे नाले में शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। और वहीं गोरखपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद ट्रक 20 सड़क पर पलट गया है। हादसे में 2 लोग घायल। फतेहगंज में एक विवाहिता की बाथरूम में गीजर गैस लीक होने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जब महिला बाथरूम से नहीं निकली, तब उसके पति ने बाथरूम की किवाड़ तोड़कर उसको बाहर निकाला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। बुलंदशहर में खुलेआम शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रात में बाइक पर एक प्लास्टिक बैग में शराब बेचता हुआ युवक दिख रहा है। और वहीं आगरा में प्रेमिका को मोबाइल दिलाने के लिए एक शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया, शख्स को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही लाखों रुपए की शराब जब्त की। कानपुर देहात में चचेरे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इलाके में हंगामा काटना शुरू कर दिया। पुलिस ने सूचना के आधार पर शख्स को किया गिरफ्तार। फिलहाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।